हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप देख रहे हो अपना चैनल RTM ट्रैवलिंग। तो आज भाइयों मैं बात करने जा रहा हूँ TRC कार्ड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बारे में, और KFT कंपनी के बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको KFT के बारे में बताता हूँ। जो भाई हमें मुझे पूछ रहे थे कि KFT क्या चीज़ है, यहाँ पे KFT मतलब KFT के नाम से काफ़ी कंपनियाँ आ जाती हैं। तो भाई जो KFT है वो एक मतलब कि यहाँ पे जैसे हमारे मान लो इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वैसे होती है। उसमें 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है और 50% अपनी होती है। तो उस KFT खोलने के लिए आपके पास अकाउंट में हंगरी का 3 से 4 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। और उसके उसके लिए आपको यहाँ पे एक वकील करना पड़ेगा, थोड़ी वकील की सहायता लेनी पड़ेगी, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। जो KFT है वो KFT मतलब आपको एक यहाँ पे जो जितनी भी कंपनियाँ हैं, ठीक है, मान लो कुछ भी नाम हो, कोई JK कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, तो उसका नाम सभी जो यहाँ पे बुदापेस्ट हंगरी में कंपनी है उससे अलग होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो ID ओपन करानी पड़ेगी यहाँ पे आके, ठीक है। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने का आपके पास टैक्स कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जिससे टैक्स गया हो आपका किसी कंपनी में आपने काम किया हो, ठीक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है कम, तो फिर आपके पास TRC होना चाहिए, ठीक है। जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करोगे तो जो आपका टैक्स नहीं होगा तो वो आपके 3 मिलियन जो आप होगा उसमें से वो काट लेंगे, ठीक है। तो उसमें वो दिखाएंगे, ऐसे KFT अपनी ओपन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही भाइयों यहाँ पे ना छोटी छोटी कंपनियाँ बनी हुई हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन KFT, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम से बहुत सी कंपनियाँ बनी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी आपके लिए खुशी की बात ये है आगे कि अभी हंगरी के वीज़े ओपन हो चुके हैं, ठीक है, एम्बेसी डेट मिलने लग गई है। तो और भी बहुत से काम अभी चल रहे हैं, कुछ एजेंटों के पास भी हैं, कुछ फार्म वर्क में, मान लो फार्म में अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है इधर से तो आपका खर्चा कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत खर्चा आता है। अगर मान लो आप एजेंट के थ्रू करवाते हो, ठीक है, उसमें आपका 6 से 6.5 लाख रुपये खर्चा आता है, ठीक है, ये है। तो मैं अगर दूसरी बात करने जा रहा था TRC कार्ड के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, अगर मान लो आप इंडिया से आते हो, ठीक है, किसी कंपनी ने आपको हायर किया और उसके बाद उसने बोल दिया कि हाँ मैं आपको काम नहीं दे सकती, ठीक है, तो वहाँ से भी आप खुद अपना वॉलेट में या फूड फडोरा या फूड पांडा में आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा ले सकते हो। तो आप मतलब कि काम देख के, काम ढूंढ के या किसी से बात करके, उसमें आपको वकील आपकी सहायता कर देगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। उसके लिए भी आपके अकाउंट में कम से कम यहाँ का हंगरी का 5 से 6 लाख रुपये होना चाहिए। उसमें मतलब कि आप खुद के एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, आपको खुद ही अपना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, खुद ही आपको टाई कार्ड बनवाना पड़ेगा अपना, खुद ही एड्रेस कार्ड, खुद का आपको रूम लेना पड़ेगा, ये सब काम आपको खुद करने पड़ेंगे। भाइयों मैं आपसे आज आपकी बात करवाता हूँ, एक भाई हैं हमारे साथ जो कि फूडोरा में काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हो, खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा कैसे ले सकते हो। भाई आप मुझे बताएंगे कि हमारे भाई जो हमें देख रहे हैं, जो यहाँ पे मान लो हंगरी में है और हंगरी में आना चाहते हैं, वो खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वॉलेट हो गया, फूडोरा हो गया, आप फूडोरा के बारे में बताएं। हिंदी में बताऊं या जैसे मर्जी बताओ, ठीक है, तो चलो हिंदी में बता देता हूँ, पंजाबी वाले भी समझ ही लेंगे। पहला तो एक दो ऑप्शन आने, एक तो बंदा ऑलरेडी हंगरी दे विच है, अच्छा ओके, जेड़ा आना चाहिए आना चाहता वो एदे वीजे ते थोड़ा जा औखा है, किसी कंपनी के थ्रू आ जाते बुला लेंगे, ठीक है, डिलीवरी वाले बंदे आते भी ने, वीजे भी लगते ने, ठीक है, पर वो घट रेयर है। तो जेड़ा बंदा ऑलरेडी इत्थे हैगा, उन्हें पहला तो आपका एक ऊज फेल कापू हुंदा,
ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਾਪੂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਊਜ ਫਿਲ ਕਾਪੂ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਬਲਗ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਕੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਊਜ ਫਿਲ ਕਾਪੂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲਵਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10,000 15,000 ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸਟਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਤੀ ਹਮੇ? ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਗਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਆਪਦਾ ਓਪਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਤਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਊਜ ਫਿਲ ਕਾਪੂ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਾਤਾ, ਖਾਤਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੀ ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਭੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਊਜ ਫਿਲ ਕਾਪੂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੇ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡੋਰਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਹੀ ਫੂਡੋਰਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫੂਡੋਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਐਪ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ, ਵੋਲਟ ਹੈ ਤੇ ਫੂਡੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਅਰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੋ ਲੜਕੋਂ ਕਾ ਕੁਛ ਕਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਿਸੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬੁਦਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਤੇ ਕਾਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ TRC ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੈਸੇ ਫੂਡੋਰਾ ਕਾ ਵੋਲਟ ਕਾ, ਇਸੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕਾ ਖੁਦ ਕਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਤੇ ਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੋਰ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ, ਇਹ KFT ਆ ਜੋ, ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ KFT ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣਾ ਉਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਸੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ, ਹਾਂ 2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਤੜ ਕੇ 2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਖੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ ਲਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 0 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ?
हाँ टैक्स नहीं पाऊंगा, बट रिपोर्ट भी देनी जरूरी है ना कि हाँ तुसी की कीता की नहीं कीता, कि रिपोर्ट तो आपकी कंपनी की भेजना हाँ उन्होंने लिख के भी हाँ मैं मेरी कंपनी इस टाइम पर कुछ नहीं कर रही। ठीक है, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है मेरा लास्ट, क्या बोलते हैं उसे, मान लो टैक्स कार्ड और TRC कार्ड आप खुद ही बनवाते हो अपना, हाँ ताई कार्ड हो गया, रूम आपका अपना होता है, हाँ सारा कुछ आपका है ये। दूसरी गल होर भी है कि जे किसी लगता भी शायद ये फूडोरा जां वोल्ट ते लोग बाले पैसे कमाते हैं, इन्ने पैसे भी नहीं कमाते लोग जेडे थोनू कई कई, मैं भी लोगों को गल सुन अगला कहना हूं हाँ मैं दिन के इन्नी की दिहाड़ी ला, नहीं नहीं मैं सुनिया कुछ, मैं सोचता कि मेरी मेरी तनखा के हिसाब से मैं आपके घंटे के हिसाब से मैं वंड के देखता तो मैनू इन्ने पैसे बनते, इन्हू इन्ने पैसे बनते, ये कोल बहुत बनते, पर खर्चे भी देखो कि वो खर्चे किन्ने, गल उ आ जाती है। नहीं एक लड़का था फूडोरा में, वो बोल रहा था कि मान लो शायद उसका यूट्यूब चैनल भी है, वो बोलता है कि मैं 10 से 15 मिलियन कमा लेता हूँ मंथली, ऐसा कुछ है वही गल कि खर्चे, हाँ बस वही है, मान लो 15 लाख के आसपास बोल रहा है, हंगेरियन फोरेंट में 15 लाख कमा लेता है लड़का, 10 लाख कमा लेता है, मुझे नहीं लगता कितना कमाता होगा, कि आप कितना रन कर रहे हो खुद ही बता सकते हो। डिपेंड करता तुसी किवें काम करदे हो, मैं किसी महीने तो मैं 1.5 लाख ही कमाना, अच्छा ओके ठीक है, किसी महीने मैं 6 लाख भी कमा लेना, मैं काम उन्ना का करता, ठीक है ठीक है, डिपेंड करता मैं कितना काम कर रहा हूं। सही है, यानी खुद के ऊपर है इसमें भी डिपेंड, आप कितना रन कर सकते हो अपनी खुद की मेहनत है। 23 लाख फॉरेंट तक एक साल दे विच, जे तुसी 23 लाख तक जो तुसी काम करदे हो तो थोनू बेसिक टैक्स देना पैंदा है, जो तुसी 23 लाख तो उपर जेड़ा दवांगे ना उपर जो पहुंच जाने ते उदे ते आपनू 33% टैक्स देना पैंदा है। 33% देना, जे मैं लख कमाऊंगा हाँ जी तो मैनू हिसाब ला लो भी 70 तो भी घट बचूगा, 70 तो जो फिर तो कोई फायदा नहीं है। हाँ स्टार्ट जॉब दे विच भी यही है, जॉब दे विच भी 33% देने हैं ना, मान लो यहाँ पे कोई काम करता है ठीक है, तो एक थोड़ी सी और, वैसे अगर कोई हंगरी में आना चाहता है तो उसे क्या क्या काम सीख के आना चाहिए, मतलब की जो यहाँ पे बेटर है जिससे उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए काम करने में। काम इतने सारी सीख के आने पेंदे, सारी सीख के आने, ठीक है, घर का बल्ब खराब हो गया वो भी तुसी आप ही बदलना है, जे तुसी बंदा बदल बुलाउन तुर गए भी हाँ भी मैं कोई इलेक्ट्रीशियन आके मेरी आ चीज फलानी चीज रिपेयर करके जाऊगा, हाँ जी वो बहुत महंगा पैंदा इतने, ये अपने कंट्री दे विच ये चीज का फर्क हुंदा भी आपां मिस्त्री सद्दे आ हरेक काम वास्ते, इतने तो हरेक काम ही बंदे नूं आउंदा होवे तां फायदा, जिन्ने भी आउंदे होण फायदा ही फायदा, जे तुसी आपदा इलैक्ट्री आपदी घर दी इलैक्ट्रिसिटी जां जो भी किते भी लोड पैंदी है ठीक है, तो तुसी बंदा सद के करवाओगे तो महंगा पऊगा, सारिया कंट्रियां दे विच ही वैस्टर्न दियां सारिया यूरोप दियां जिन्नियां भी जिथे भी लोग कमाई करन जांदे आ जिथे लेबर आपां नूं महंगी मिलदी आ आपां उत्थे जांदे आ ना जिथे आपां नूं लगदा कि हां इत्थे ज्यादा पैसे बढ़ रहे ने काम करन ते, मान लो कुछ लड़के फ्रेशर आते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको काम ढूंढने, मान लो कोई स्किल है किसी के पास कुछ भी लगा लो, कोई कारपेंटर है वेल्डर है ड्राइवर है, उनको जॉब आसानी से मिल जाती है शायद, ऐसा ही कुछ है। नहीं क्वेश्चन दोबारा पूछोगे, मैं समझ नहीं पूरी गल थोड़ी, मैं गल कहंदा जिवें फ्रेशर आंदे ने जिवें किसी ने उधर कुछ काम नहीं किया ठीक है, खेती खुती करी है बस होर कुछ नहीं किया, उधर मान लो वेला रहा इंडिया तो इधर आ गया, ओनू काम ढूंढने मतलब काम सर्च करने में बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। नहीं जदों अपनी नीत होंदी है ना काम लभ ही जांदा बंदे नूं, कोई ना कोई तां लभ ही जांदा, जे कोई कोई आपां नूं स्किल वाली जॉब नहीं लभदी तां अनस्किल्ड जॉब भी हुंदी है कि तुसीं किसी दुकान ते लग गए किसी रेस्टोरेंट ते लग गए, भांडे तां मांजने आ भांडे तां मांज ही लोग उहदे वास्ते की सिखणा है, इह तां गल सही है, जदों बंदे ने काम करना उहनूं काम कोई ना कोई लभ जाणा, इह सिर्फ मतलब कि जिन्हें काम कीता नहीं उहदे वास्ते बहाने बहुत ने भी हाँ मैनूं काम नहीं मिलदा क्योंकि उहने उत्थे भी नहीं कीता। सही बात, आ तो गल सही है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, हमारे जो भाई देख रहे थे वीडियो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि वो कैसे यहाँ पे आके चेंज कर सकते, कुछ लोग डरते हैं ना यहाँ पे आने से पहले कि हम क्या काम करें वहाँ पे क्या ना करें, तो इसलिए आप कोई कोई बड़ा फर्क नहीं होंदा किसी भी कंट्री कि दुनिया च कि मर्जी तुर जाओ कोई बड़ा बड़ा वड्डा फर्क नहीं पैना, थोड़े मोटे फर्क होंगे ने कि किसी का किसी कंट्री का सिस्टम किस तरीके चलता किसी का किस तरीके चलता, बस वो ही गल भी कन्न इधर की फड़ लिया जा उधर की फड़ लिया कन्न फड़ ही लेंदे ठीक है, नहीं, सही है ते सारा कुछ सेम ही होंगे मोस्टली, एडे बाले कोई हउए वाली गल नहीं होंगी भी हाँ पता नहीं की हो गया तो सारा कुछ कर ही लेंदा जिहड़ा करन वाला उन्हें कर ही लेना किवें मर्जी कर लूगा। आप कहना चाहोगे जो वीडियो देखेंगे आपकी उनके लिए कुछ
बोलना चाहोगे हंगरी आए या ना आए, घूमने के लिए कैसा है हंगरी? नहीं आने तो कोई मैं तो कोई रोकने वाला नहीं हैगा, मैं कोई सद्दन वाला नहीं हैगा, ठीक है, जिहदा जी करूगा उन्हें आ ही जाना। तो पर ये एक गल मैं जरूर सच कहनी चाहूँगा कि कुछ लोग ना ये सोचते हैं भी इतने फॉरन टर्म रुपये कन्वर्ट करे सारे नालों पहला। हाँ ये तो है बिल्कुल कर जो कोई बैठा बैठा सोचता मैं भी जो इतने बैठा सोचता ना वो कहना भी पहला कन्वर्ट करूंगा फॉरन। हुण मैं यूरोप के कंट्रियां जिथे यूरो मिलता ठीक है इतने साढ़े फॉरन आ यूरो दे एक दे 90 बनते हैं जर्मनी बैठा भेजता काम करने हाँ जे जिन्ना काम करके उन्ने घंटे काम करके वह भी उन्ने भेजता इतने उन्ने घंटे काम करके इतने वाला भी उन्ने भेजता ठीक है। सो यही ना देखा करो भी पैसे ये देखा करो तुम जिथे जा रहे हो उत्थे थोनू रेट की मिल रहा बिल्कुल कंट्री की करंसी कुछ मर्जी हो जो थोड़ू थोड़े इंडिया का 60-70 हज़ार रुपया बन बन रहा तो मेरे इनो एदू भी थले हो करंसी तो मैटर नहीं पैंता गा। साउथ कोरिया भी तो देख ही रहे हैं कितना कितना कमाते हैं लोग 2-2 लाख रुपए बनाते हैं इंडिया का वहां की करंसी हंगरी से भी इंडिया दे विच बैठे भी कमा रहे हैं। हाँ वो इंडिया भी एडी भी नहीं गल इंडिया दे विच बैठे भी कमा रहे हैं। बात सही है आपकी ठीक है बहुत मैंने 4-5 साल हो गए इंडिया तो निकले नो हुण इंज लगता भी हाँ यार जे इन्नी मेहनत उत्थे करिए तो उत्थे भी बनते तो है ही एड्डी कोई गल नहीं है बस हाँ ठीक है रूलों का फर्क आता कुछ इहो चीजा का फर्क हों कई 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 चीजा का फर्क हों ठीक है बट ये नहीं है पर ओ सारा कुछ तोल मोल के देखिए तो उत्थे भी फिर ओही गल आई उत्थे फिर बैठे भी तो घरे होंगे बिल्कुल ये तो बस सही है वहां घर है सामने दिखता है फैमिली दिखती है अगर नहीं भी करेंगे तब भी चले इतने फिर जे कोई दो कोई 10-20 हज़ार रुपया वध बना लेने 30 हज़ार रुपया वध बना लेने घर बार भी छड़े ठीक है तोल मोल करिए ना सारे गासे की तो गल उत्थे आ जाती है ये तो गल सही है भरा। ओके थैंक यू सो मच भाई बहुत अच्छा लगा मिलेंगे किसी तरी होर वीडियो दे विच ठीक है उस्ताद जी थैंक यू ओके।